बिग बॉस में हर किसी को अपनी टास्क स्किल से इम्प्रेस करने वाली निक्की तंबोली कर बैठी है बहुत बड़ी गलती। जी हाँ, निक्की तंबोली ने एक ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से अब रोहित शेट्टी उनसे नाराज हुए हैं। आप सभी जानते ही हैं कि निक्की तंबोली जो है वो खतरों के खिलाड़ी में एक कंटेस्टेंट है। निक्की एक बार इस शो से बाहर आ गई थी जिसके बाद उन्हें दूसरा चांस दिया गया। हालांकि कल के टास्क में हमने देखा कि निक्की के साथ राहुल, वरुण, विशाल, महक चहल, अर्जुन बजलानी की किस्मत भी जुड़ी हुई थी। टास्क में कंटेस्टेंट के पैरों में बेड़ियां थी और टास्क की जगह पर लगाए हुए बक्से में से उन्हें चाबी निकालनी थी। इन बॉक्स में कई तरह के प्राणी शामिल थे। ये चाबियां निकालकर कंटेस्टेंट को खुद को बेड़ियों से रिहा करना था। सबसे पहले निक्की ने चिकन के मांस में हाथ डालकर चाबी निकालने की कोशिश की, लेकिन दिल में दबे फोबिया की वजह से निक्की ये टास्क पूरा नहीं कर पाई। अबॉर्ट करने के लिए तैयार निक्की को उसकी टीम में से राहुल वैद्य और विशाल आदित्य सिंह ने समझाने की कोशिश की, लेकिन निक्की नहीं मानी। उसकी सारी टीम उससे काफी गुस्सा नजर आई। रोहित शेट्टी ने निक्की को कहा कि अगर उन्हें नहीं करना है तो अबॉर्ट का साइन करना होगा और निक्की अबॉर्ट का साइन करके गेम से बाहर हो गई। निक्की ने अपने एक्ट की सफाई देते हुए कहा कि मुझे अपने आप को पैनिक में नहीं डालना था, किसी के कहने पर मैं ये नहीं कर सकती थी। निक्की के बिना कोशिश किए हुए अबॉर्ट करने से अर्जुन बजलानी, राहुल वैद्य, वरुण सूद ने नाराजगी जताई। निक्की के बाहर आने पर रोहित शेट्टी ने कहा कि राहुल आपकी टीम हार गई है, और राहुल ने कहा कि मुझे बहुत बुरा लगा, निक्की जिस प्रॉमिस के साथ आई थी उसने वो प्रॉमिस नहीं पूरा किया। जिस पर निक्की कहती है, सर मैं वापस तो आ गई लेकिन मुझे पता चला कि मुझे इंसेक्ट का फोबिया है, रेप्टाइल का फोबिया है। रोहित शेट्टी ने कहा कि निक्की तुमने शो का और मेरा अपमान किया है, और अगर ऑफ द रिकॉर्ड कहूं तो सौरभ तुमसे ज्यादा डिजर्विंग थे। तो एक बात तो तय है कि निक्की ने एक बार फिर से रोहित शेट्टी को किया है नाराज। उन्होंने जो वादा किया वो पूरा नहीं कर पाई। क्या आपको लगता है कि निक्की वाकई में डिजर्व नहीं करती थी दोबारा जाना? आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टीवी धमाका को सब्सक्राइब करना ना भूलें।